हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन सभी कॉम्बैट मास्टर्स को अपने वीपी क्लब के पास में लेकर आया था ताकि वह उनकी ट्रेनिंग करवा सके और वह साथ में कुछ युद्ध टेक्निकों को इधर उधर कर सके। लेकिन नितिन को वहां से चले जाने के बाद में कॉम्बैट मास्टर करण ने सीधे कॉम्बैट मास्टर वेदांत से कहा, कॉम्बैट मास्टर वेदांत, क्या मैं इनमें से किसी को चैलेंज दे सकता हूँ? तो कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने भी उसको हाँ कर दिया था। और करण की इच्छा ये थी कि वह उस ग्रुप के अंदर से सबसे कमजोर व्यक्ति को ढूंढ कर उसके साथ में लड़ाई करे। और उसकी अनुमति रौनक ने भी उसको दे दी थी कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद अपने लिए एक लड़ाकू को चुनो लड़ने के लिए, तो ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में करण स्टेज के ऊपर चला जाता है और वो वहां पर देखने लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लड़ाकू थे, इसीलिए वीपी क्लब में से सबसे कमजोर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अचानक से उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की के ऊपर पड़ती है। उसके बाद में उसका दिल उसी के ऊपर आ जाता है। तो सीधे सीधे वह रौनक से कहता है, रौनक, मुझे उससे लड़ना है। लेकिन जब वह लड़की स्टेज के ऊपर आती है तो करण बिल्कुल ही लाल पीला हो जाता है। वह उससे बड़े प्यार से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें किस नाम से बुला सकता हूँ? और फिर वह लड़की अपना नाम बताती है तो हम सभी को पता चलता है कि वह कोई और नहीं, वह हासना थी। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था और हमें पता चल गया था करण ने इस बार फिर से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड, देखते हैं कि आज करण के साथ में क्या होने वाला है। जब नितिन एम्पायर बिल्डिंग का वह एग्जाम देने के लिए बाहर गया था तो हासना भी उसी के साथ में चली गई थी। और 2 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद में हासना का लेवल 9 के टॉप पर पहुंच चुका था और उसी के साथ में उसकी लड़ाई टेक्निक्स की ताकत और समझ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो वीपी क्लब की कोई मेंबर नहीं थी, लेकिन वो वीपी नितिन से बात करने के लिए ही तो वीपी क्लब में आई थी। हासना तो बड़ी खुशी के साथ में केवल नितिन से मिलने के लिए वहां पर आई थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह वहां पर पहुंचेगी उससे पहले नितिन वापस से चला जाएगा। और जब वह नितिन से नहीं मिल पाए तो उसके बाद में उसके गुस्से का पारा बहुत ज्यादा हो गया था। और उसी के साथ में जब करण ने उसको लड़ने का इनविटेशन दे दिया तो उस वक्त तो उसका पारा अलग ही लेवल पर चढ़ा हुआ था। और ये तो वही बात हो गई कि पहले तेल लगा और उसके ऊपर फिर माचिस से आग लगा दो। उसी तरह से हासना की अभी हालत थी, अभी उसको अपने गुस्सा निकालने के लिए किसी की जरूरत थी, इसीलिए तो वह बिना किसी झिझक के आगे की ओर आ गई और करण से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। और क्योंकि हासना को बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था, इसीलिए वह थोड़ी गुस्सेल टाइप की भी थी। वह अपने मन की हर एक चीज किया करती थी, चाहे से उसके सामने कोई भी क्यों ना हो, वह उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहा करती थी। और जब अब दूसरा पक्ष उसको उकसाने के लिए पहले से ही आगे बढ़ चुका था तो उसके लिए हासना मना भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि हासना वीपी क्लब की कोई सदस्य भी नहीं थी, लेकिन कोई उसको यहाँ पर आने से रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि उन सभी को पता था कि नितिन और हासना के बीच में एक अच्छी दोस्ती है, इसीलिए कोई भी उसे वीपी क्लब से अलग नहीं माना करता था। हासना का नाम सुनने के बाद में करण के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वाव, हासना कितना अच्छा नाम है। लेकिन करण के मुंह से वह सब सुनने के बाद में हासना को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि उसके ऊपर बहुत से लड़के पहले से लट्टू थे और उसके ऊपर पहले से लाइन मारने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे, वह तो उसके लिए आम बात थी। लेकिन हासना का अभी बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ था, इसीलिए वह सीधे करण को बोलती है, इसको छोड़ो, हम सीधे लड़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। इतनी प्यारी सी आवाज सुनने के बाद में करण का दिल तो भाग भाग हो गया। वह बोलो, ठीक है, तो हम दोनों स्टार्ट करते हैं। और चमकती आंखों के साथ में देखते हुए करण ने कहा, क्योंकि हम सभी अब मुक्केबाजी करने वाले हैं तो हमें हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हथियारों का यूज करते हैं तो शायद उसके अंदर हमें चोट भी लग सकती है, और मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को चोट तो नहीं पहुंचा सकता। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको चोट पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, जितना हो सके मैं अपने आप को जरूर रोकूंगा। इतनी सी उम्र के अंदर लेवल 9 का एक लड़ाकू होना किसी के लिए भी आसान नहीं था, ये अपने आप में एक अलग ही उपलब्धि थी। और क्योंकि करण पहले ही वीपी क्लब के सदस्य द्वारा एक बार हार चुका था, इसीलिए वह दोबारा हारना नहीं चाहता था। उसको पता था कि वह रोमा आरो या प्रिया किसी का भी सामना नहीं कर सकता था। और इसी विचार के साथ में करण ने अपना कदम जोर से जमीन के ऊपर मारा और उसने अपनी मुट्ठी के अंदर ठंडर की पावर इकट्ठा करते हुए हासना की तरफ एक ठंडर पंच बढ़ा दिया। उस पंच के अंदर ठंडर की पावर छिपी हुई थी, वह आसमान से उड़ते हुए सीधे हासना की तरफ बढ़ने लगा था। उसके आसपास बिजलियां कड़क रही थी। करण के द्वारा उस अटैक को करे जाने देखकर कॉम्बैट मास्टर वेदांत भी खुश हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, मानना पड़ेगा कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की करण ने अपने इस अटैक के अंदर पूरी ताकत को
लगा दिया है। वह शायद इस मैच को जीतना चाहता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वह पहले ही एक बार वीपी क्लब द्वारा हार चुके हैं और उसने इस बार सोच समझकर अपनी चाल चली है और वीपी क्लब में से शायद सबसे कमजोर लड़ाकू को ढूंढकर निकाल लिया है। और शायद इसके साथ में मुझे ये लगता है कि वह सामने वाले को आराम से हरा देगा और इतने ज्यादा शक्तिशाली वार को तो वह झेल भी नहीं पाएगी। और शायद पिछली बार की हार की वजह से इस बार वह ये नहीं देख रहा कि उसके सामने कोई लड़की खड़ी है या लड़का। बस वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। जिस अटैक को करना भी यूज कर रहा था वह सेवन स्टार पाम अटैक था। उसके अंदर पूरी निहित शक्ति के यूज किया जाता है। यह एक आत्म लेवल की युद्ध टेक्निक है। यहाँ तक कि अगर इसके सामने हाफ संत लेवल का कोई कल्टीवेटर भी आ जाए तो वह भी इस पंच को नहीं सह पाएगा। और यहाँ पर तो करण के सामने एक नाजुक युवा महिला है। वहीं वह सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि हासना किस तरह से इस अटैक को सहेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हासना अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी। वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बस वह अपने सामने आ रहे अटैक को देखे जा रही थी। उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन करण को ऐसा लगा कि उसके इस अटैक को देख कर हासना शायद ज्यादा ही डर गई होगी, इसीलिए वह अपनी जगह पर ही जम गई होगी। इसीलिए करण घबराया और उसने कहा, सावधान रहो, ये अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर ये तुम्हें लग जाएगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा गहरी चोटें पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बातें पूरी कर पाता, हासना अपनी जगह पर हल्की सी मूव होती है और केवल अपने कंधों को हिलाते हुए अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालती है। वह एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि उसका एक अटैक ही उस सामने वाले फिस्ट को पूरी तरह से तबाह करने में कामयाब हो जाता है। हासना के उस अटैक को देखने के बाद में करण अपनी जगह पर ही जमसा गया था। उसे पता नहीं चल रहा था आखिरकार उसके सामने क्या हुआ, क्योंकि उसका इतना ज्यादा शक्तिशाली अटैक केवल एक हल्के से हवा के झोंके से खत्म हो गया था। यहाँ तक कि हासना ने तो अपना कोई मूव भी नहीं चला था। वो तो अपनी जगह पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैसा हाल करण का था वैसा ही हाल कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और कॉम्बैट मास्टर वेदांत का भी था। उनके चेहरे का कलर पूरी तरह से उड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अभी जो अपने सामने देखा था उसके ऊपर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो केवल अपने सामने एक पूरे जेकी का भवंडर देखा था जिसके अंदर करण का वह पंच मिलकर खत्म हो गया था। जिसके बाद में हासना अपने जगह से एक कदम आगे बढ़ती है और अपनी जगह से गायब हो जाती है। उसके बाद में वह सीधे करण के सामने जाकर खड़े हो जाती है और फिर वह केवल अपने एक पंच में पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधे करण के ऊपर वार कर देती है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार चीख आती है और करण हवा के अंदर उड़ जाता है। उसके बाद में हासना को पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह हवा के अंदर जाकर उसके पर अपने अटैक्स की बारिश करने लगती है और फाइनल ब्लो के साथ में उसको जमीन की तरफ फेंक देती है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार गड्ढा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण की ऐसी हालत को देखते हुए कॉम्बैट मास्टर वेदांत और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम अपनी जगह पर ही जम गए। आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि करण ने तो सबसे ज्यादा कमजोर लड़के को चुना था। इसको मैंने पहले मना किया था कि ऐसा कुछ ना करे वरना तुम्हारे साथ में कुछ हो सकता है, केवल हम तो यहाँ पर युद्ध टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। लेकिन ये तो अपने बात पर ही अड़े हुआ था और अब देखो क्या हालत हो गई इसकी। कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने टेलीपैथी के साथ में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम से कहा। लेकिन करण की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उस नितिन की थी, क्योंकि हासना इतनी देर से नितिन से बात करने के लिए यहाँ पर उसका वेट कर रही थी। लेकिन जब वह यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई तो नितिन तो उससे मिले बिना ही यहाँ से चला गया, तो उसके साथ में हासना को गुस्सा तो आना ही था। इसी के साथ में वह अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाई और उसी समय में वह करण वहाँ पर आ गया उसको चैलेंज देने के लिए। तो फिर तो उसके साथ में ऐसी घटना घटनी ही थी, क्योंकि वह एक सैनिक के साथ में लड़कर अपनी मौत को दावत दे रहे थे कि आ मुझे मार, क्योंकि आखिरकार होंगवान साम्राज्य के अंदर कौन नहीं जानता था कि वह हासना है। उसका गुस्सा कभी भी किसी के ऊपर भी फूट सकता है और उसको उकसाना किसी के लिए मौत की दावत देना ही होगा, क्योंकि वह किसी के भी सामने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकती थी, चाहे से वह कोई भी हो। आखिरकार वह एक प्रिंसेस जो थी, और जब पहले उसका मूड इतना खराब था तो उसके बाद में ये सभी कॉम्बैट मास्टर्स आकर उसको उकसाने लगे, क्योंकि आखिरकार एक प्रिंसेस के अंदर का गुस्सा क्या होता है आज इनको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट टाइम से ये किसी से भी ऐसे पंगा नहीं लेंगे। करण का ऐसी हालत देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स की टीम में से एक और लड़ाकू बाहर निकल कर आता है और वो कहता है, एक बार इससे मेरे को फाइट करने दो, मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ।